आप सब, मैं हूँ मीनू नागर और एक बार फिर से मीनू नागर फैमिली व्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे कर दिए मैंने सब्जी बनाने की तैयारी शुरू और आज बनाने वाले हैं शाम के साथ करेले की सब्जी। और दीदी एकदम ही करेला काटे हैं गैल मुगैल छोक दो, स्कूल में कड़वे ना रहते। अभी ना थोड़ी देर नमक लगा कर रख देंगे और फिर धो देंगे। नमक लगाने के बाद फटाफट इतना हमारे प्याज व्याज तैयार होंगे इतने ही सही हो जाएंगे, अपना कड़वापन निकल जाएगा। क्या चूल्हे पे बना लो, गैस पे खराब हो के चूल्हे पे बनाएंगे जो मैं गैस पे रोटी बनाऊंगी तो सब्जी नहीं बन पाएगी। पहले कह रही चूल्हे बनाएंगे, चूल्हे जल्दी बन जाएगी रोटी फिर सब्जी दीदी। मौसरी मैंने बनाया ऐसे चूल्हा झोपड़ी पे बनाई, बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो मैंने क्या ही का सिस्टम के भेजे दी जल्दी। तो पढ़ाई मुझे कभी धो रहा है। हां मम्मी वो बना रही, नु कह रही छोटी मम्मी रोज किया कर दे वे फिर छोड़ दे मम्मी, टाइम भी तर मिलता। एक चूल्हा और गाइस मैंने ऐसे ही बनवा रखा। नोपला लेके आती हूँ, फटाफट कर देती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी शुरू। हम जल्दी जल्दी लगे रहे यहाँ, टाइम तीन हो गया, अभी लेट हो गया। मैंने और दीदी ना सेम सेम सूट पहने दोनों ने, ज्यादातर ना हमारे मतलब सेम ही सूट रहे हैं। भाभी को भी को और हमारे भी तीनों बहनन के कोई एक आधे सूट रह गए जो मतलब सेम ना होता। देख मेरे रंग सावड़ा सा होगा, गांव में जाकर नई डोर लाए बिगड़ चुन्नी और लेके आए हाँ जगह घूंघट में रहे। मैं मम्मी से कह रही मम्मी देखे मैं सावली सी दीदी, मैं कह रही मम्मी से देख मेरे रंग सावला सो के जन करी मत इतरा हो यो कदम पैदा हुई भैंस के जैसी होगी बिल्कुल। नानू भी कह रही इतरा मत लो यो कदम पैदा हुई। सही कह रही मम्मी। लो जी दीदी ले आई फुफड़ा गोसे आवाज सुन लाई जी। तो दीदी ने और सिलवा दी है सब्जी बनाने के लिए। एक उसकी कमेंट आ रही है गरा आपका चूल्हा कहाँ से आया ये बन गया चूल्हा बहुत। एक बहन की और आ रही थी तो कमेंट पूजा नाम बता रही शायद अपने कह रही थी आपकी सासू माँ ने दिखती हूँ व्लॉग। सासू माँ भाई एक व्लॉग डाल रखा हमने नागर फैमिली इंट्रोडक्शन, उसमें सब कुछ बताया हुआ आप उसमें देख सकते हैं। और फिर भी मैं एक बार और फिर से जो ना जल्दी में अपनी फैमिली को इंट्रोडक्शन करवाऊँगी पूरी फैमिली का। करेला की सब्जी भी दीदी हर किसी पे नाती बनानी कटी कड़वी जहर भी बन जाए यानी किसी किसी पसंद हो गए कड़वी सब्जी अपना आप ही। हाँ कड़वी है कड़वी का हाथ सी लगती है कड़वी जहर बड़े जैसा लगे नीम का पत्ता खाली हो। हम तो छोटे हुए तो हमने कभी नहीं खाई, ज्यादातर हमारे बने गए नहीं मम्मी बनावे नहीं क्योंकि बच्चे खावे नहीं कोई बनावे। जब कभी बनावे मम्मी तो बहुत ही अच्छी बनाई करी, पता मम्मी कैसे बनावे जैसे कि आधी किलो करेला है आधी किलो प्याज ले ली आधी किलो टमाटर ले लिए मम्मी और फिर उन्हें सिल पे पीस ले भाई इतना लहसुन और आधी किलो टमाटर बहुत देर लग जावे वापिस ने मम्मी सिल सिल पर पीस के जब छोके कराई फिर स्वाद अलग ही आवे तो चटनी की तरह वहाँ मतलब पूरे पीस के और फिर छोके कराई मम्मी करेला ने भून ले गए बिल्कुल करारे करारे से क्योंकि हम खावे नहीं पापा भी खावे इसलिए भी खावे। अरे भरवा शिमला मिर्च जो बना कर मम्मी वो बहुत अच्छी बने तो मैंने ब्लॉग में दिखा रखी है कई बार मेरी फेवरेट सब्जी। अरे जो मम्मी करेला भी तो बना कर दीदी घर के भरवा करेला आप सब बताइए कि कमेंट में बताना फिर हम वहाँ पे बताएंगे कैसे बने भरवा करेला वाली रेसिपी। बहुत अच्छी होती है वो भी ना कर दी रहती बिल्कुल भी कपड़े भी करेला की सब्जी बना लेंगे और अभी लग रही है अब बनाना कैसे काटने लगे बीच में सब्जी काटते काटते ये लविक के लिए। अच्छा
थोड़ा थोड़ा करके खिलाना पड़े उसे बंदर। अभी तो ब्रश कर रहा है, मैं कह रही पहले दांत आ जान दे, जब खा ले जब ही कर लिए ब्रश अभी तो फूल ही रहे आए बिना ढंग के। लो जी तो दीदी ने चढ़ा दी यहाँ पे कढ़ाई, अब छोड़ देती है कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल, सरसों का घर का तेल है हमारा। कचौरी फिर भी रिफाइंड में बनाओ तो ऐसी बना लो ब्लॉग आएंगे तो आप मजा को तो करो।
गाइस नेहा को हो गया इन्फेक्शन ग्रेप्स खाने से, तो ग्रेप्स मत खाना कोई भी। ग्रेप्स में बीमारी चल रही है। मतलब कुणाल ने फोन करा, तो कुणाल कह रहा कि चाचू ग्रेप्स ले आई हूं, तो ये कह रहे बता ग्रेप्स ले आ। कुणाल को फोन आ रहा जब वो आ गए, और ग्रेप्स कैसे ले आऊं मैं, बीमारी चल रही है इनमें बहुत ज्यादा। मेरी मतलब पकाई जा रही है ना, उसमें कुछ डाल के पकाया जा रहा है। कह रहे अगर ये घर आवे भी ना तो गर्म पानी में धो के ढंग से नमक डाल के, गर्म नमक डाल के जब खाइए इन्होंने तब धो। बाद में भाई विकास भी कह रहा हूँ पहले मतलब तुम लेके गई ग्रेप्स और कोई हो ही ना घर, भाभी वहाँ चली गई अपने घर को। भाई विकास आका ड्यूटी जावे, मैंने और मम्मी ने खाए भी रखे तो धोए तो है, बिगर धोए तो मेरे को भी किसी चीज को मन न करो। गर्म पानी में धोनी बेटा। अच्छा हाँ गर्म पानी में धोए, नॉर्मल वैसे ही धोए। और बाद दिन सर नू देख लो 15 दिन सारे हो गए गले, इन्हें कह दी कि ठीक ना हो। भाई कौन भाई? लो जी दीदी तो खाना खाने बैठ चुके हैं। लो के दे दियो। क्या कह दी थी? चटनी भी लिया है? चटनी है, छाए है और सब्जी की। आप पापा को दिन चुप हो गए, मैं को दिन कोटी लग रहे गाइस। ये लड़की ना रोती रोती चुप हो गई पापा की आवाज़ सुनकर, फिर नू सोच रही रो या हंसू, मुझे समझ में ना आया। कह रहा आ जा, देखिए जल्दी मुँह फेरा गया। कह रहा आ जा मम्मा पास आ जा। कह रहा हाँ काहे पे ढक्कन, ये गंदी लड़की है, गंदी लड़की। इसके पापा से प्यार है बच, सच में रोती रोती चुप हो गई, एकदम रो रही है, फिर रोती रोती इनके कायरा कैसे हंसी, फिर कायरा तू कैसे हंसी पापा की आवाज सुनकर, इतनी हंसी इतनी हंसी इतनी हंसी। अरे बच्चा प्याला सा बच्चा, ये प्याला सा रालो का कोई प्यार देख, मतलब यू है कि मैं ना ले लूं इसे कहीं।